गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज खुशी की छुट्टी है क्योंकि वैसे भी ना एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम में बच्चों को छुट्टियां हैं। मंडे को ही एग्जाम होगा इसका, तो खुशी से हो रही है। रुद्र उठ गया तो उसका मन नहीं लग रहा, तो वो गया दीदी को उठाने के लिए। और देखो उठा तो दिया, लेकिन पता नहीं क्या अपनी लैंग्वेज में बातें चल रही हैं, गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे हैं दोनों। दिल भी नहीं लग रहा उसका, वो सो रहा होगा तो खुशी का दिल नहीं लगता। तो बस भाई बहन का प्यार कितना खुशी हो रहा है कि मम्मा मैंने दीदी को उठा दिया। खुशी ना दो दिन से मगर पड़ी हुई थी पीछे कि मम्मा मुझे ना सैंडविच खाना है, तो बस मैं खुशी के लिए सैंडविच रेडी कर रही हूँ। मैं वेजेस काट ही रही थी, पनीर मैंने घर पे बना लिया। तो जैसे ही मैंने वेजेस काटी तो मुझे पता चला कि ब्रेड तो नहीं है, एक दो पीस ही पड़े हैं। तो फटाफट मैंने स्कूटर उठाया और फिर मैं फटाफट से खुशी के लिए ब्रेड लेके आई। तो बस फटाफट मैं ब्रेड ले आई हूँ। थोड़ी सी मैंने मेयोनीज डाली है, पहले खुशी को सिर्फ मेयोनीज वाला सिंपल बनाकर दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा सोल्ट डाला। दूसरी तरफ मैंने रुद्रा के लिए दलिया बना दिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तवे पे नहीं बनाऊंगी आज सैंडविच। मैं सैंडविच मेकर में बनाऊंगी क्योंकि इसमें एक तो ऑयल कम लगता है, ऊपर से ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं, वरना खुशी का गला खराब है, उसके गले में लगेगा। तो इसमें थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं, तो इसीलिए मैं आज इसमें बनाऊंगी। तो बस मैंने खुशी के लिए सिंपल बना दिया है, लेकिन अपने बैटर में मैंने थोड़ा सा यू नो ऑर्गेनो डाल लिया है, चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं, थोड़ी सी स्पाइस डाल देती हूँ ज्यादा, क्योंकि हम तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं ना खाते। तो खुशी के लिए तो मैंने सिंपल ही बनाया। मेरे पास ना ये कुछ पैकेट्स पड़े हुए थे ऑर्गेनिक, मैं मार्केट से ज्यादा लेती नहीं हूँ क्योंकि कभी कभार कोई चीज हम बाहर खाने जाते हैं या घर पे मंगवाती हूँ पिज्जा वगैरह, तो मैं ऑर्गेनिक के पैकेट्स रख देती हूँ, चिली फ्लेक्स भी रख देती हूँ, तो कभी ना कभी सैंडविच बनाओ तो काम हो जाते हैं। हो चुके हैं, पहले मैं खुशी को दूंगी, खुशी का रेडी किया है, उसके बाद फिर मैं अपने और हस्बैंड के लिए टोस्ट बनाऊंगी। रुद्रा के लिए तो मैंने दलिया बनाया क्योंकि रुद्रा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको भी खांसी हो रही है, तो वो रात से खाना नहीं खा रहा, इसीलिए फिर मैं उसके लिए भी यू नो दलिया रेडी किया, थोड़ा सा दूध डाला दलिये में। तो पहले मैं पानी भी बनाती हूँ, बाद में मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ क्योंकि वो जल्दी गलता नहीं है। तो बस इधर हमारे टोस्ट भी रेडी हो गए हैं और साथ में हम पियेंगे कॉफी। हम हस्बैंड के साथ मैं हंस रही थी, मैंने कहा देख लो आपको मैंने कैफे वाला ब्रेकफास्ट घर पे ही करवा दिया, कितना यम्मी कॉफी और विद सैंडविच, मोटा बिल बनने से बचा लिया मैंने आपका। नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया है, खुशी के नेल्स काट रही हूँ क्योंकि काफी दिनों से काटे नहीं थे, ये ना क्ले वगैरह से प्ले करते रहते हैं और सारी नेल्स में क्ले फंस जाती है, तो मुझे काटने पड़ते हैं। जरूरत तो नहीं थी वैसे, ना भी अगर क्ले खेलते ना तो मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, अभी निकल जाते दो तीन दिन, लेकिन इन्होंने क्ले फंसा ली ना करें तो मुझे काटने ही पड़े। तो रुद्र को भी मैं बोल रही हूँ आजा कटवा ले, लेकिन ये महाशय बस अपनी मर्जी का मालिक है, खुशी तो मान जाती है हर बात। थोड़े से नेल नीचे गिर गए थे तो मैं झाड़ू लगा रही थी कि बच्चों के पैरों में ना चिपक जाए, तो मैं चलो इकट्ठा कर देती हूँ, लेकिन इस हीरो को तो झाड़ू चाहिए। मम्मा मुझे झाड़ू दो, मैंने माना, मैं बेटा ले ले तू भी झाड़ू लगा ले, सीख ले सीख ले। तो बस बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ, बस थोड़ी देर बच्चों को नीचे लेके जा रही हूँ, उनका टाइम पास नहीं हो रहा क्योंकि अभी सिर्फ 12 o'clock हुए हैं दोपहर के, तो मैंने कहा चलो थोड़ी हवा भी अच्छी चल रही है बाहर, थोड़ा मौसम भी अच्छा है, तो चलो इनको ना मैं नीचे ले जाती हूँ, तो नीचे ले जाऊंगी, थोड़ा सा तो कम तंग करेंगे, वरना घर पे बस ये लड़ते रहेंगे या एक दूसरे को मारते रहेंगे, या मतलब बहुत तंग करते हैं ये दोनों। मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं नीचे ले जाती हूँ, भैया थोड़ी देर बैठूंगी, ये खेलते रहेंगे मस्त रहेंगे, तो थोड़ा सा तो मुझे शांति मिलेगी। तो बस कभी स्विंग तो कभी स्लाइड, थोड़ा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मैं भी आ गई नीचे, अब धूप भी निकल आई है, तो बच्चे खेल रहे थे, मैं बैठ गई साइड में बेंच पे थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा लगता है, मतलब मौसम ठंडा हो गया, अब तो मौसम में काफी फर्क हो गया है कि धूप भी निकलती है बाहर, तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। ये खुशी कहती मम्मा मैं झूला दूंगी इसको, तो ये स्विंग पे बैठा है हीरो। कितना प्यार है इनका आपस में, देखो तो सही। कितने शरीफ लग रहे हैं दोनों हीरो मेरे। दोनों स्विंग ले रहे हैं। मैं आ गई थी घर पे, इवनिंग हो चुकी है और दोनों हंस रहे हैं, अब दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बस यही काम है इनका, कभी खेलना तो कभी झगड़ा करना। पहले वो पंगे लेता है छोटू मास्टर, देखो पहले मारने जाएगा, जब वो आगे से मारती है, मैं बोलती हूँ खुशी कोई भी हो, आपको अगर कोई तंग कर रहा है तो प्लीज आप उसका रिस्पांस करो, रिप्लाई करो, चाहे अपना भाई क्यों ना हो,
क्योंकि ठीक है यार, मेरी लड़की है भोली सी है, बाहर से भी मार खा के आ जाती है, घर पे भी खाती है। तो बस थोड़ी देर हमने प्ले किया, ये दोनों ना पिल्लो फाइट खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इनके साथ पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मैं भी आ गई इनके साथ। इनको ज्यादा अच्छा लगता है जब मम्मा खेलती है, तो फिर बच्चों के साथ कभी कभी प्ले कर लेना चाहिए। मोस्टली मैं करती ही हूँ, मतलब डेली मैं कुछ ना कुछ, कभी स्कूल से आकर या कभी शाम को जब उठते हैं ये सोकर, तब मैं इनके साथ प्ले करती हूँ, तो कोई ना कोई रोज ये गेम खेलती हूँ, तो बच्चों का भी मन लगा रहता है। वरना ये दोनों अकेले तो आपस में खेल ही नहीं सकते ना, दोनों को तो लड़ना ही होता है बस। तो बस हम मस्ती कर रहे हैं, मम्मा और बच्चे, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद खुशी ने ट्यूशन भी जाना है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ट्यूशन भेजूंगी। तो बस यहाँ पे फिर